Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. दो दिन पहले यानी 11 अप्रैल की ये बात है, आधी रात को किसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय का अकाउंट हैक कर लिया था। प्रोफाइल पिक्चर उस अकाउंट की बदल दी गई थी। एक के बाद एक धड़ाधड़ अजीब तरीके के ट्वीट्स अकाउंट से शेयर हो रहे थे। करीब 1.5 घंटे के बाद अकाउंट रिकवर हो पाया था। इस घटना को लगभग 48 घंटे बीत गए। कैलेंडर में तारीख लगी 11 अप्रैल की। किसी ने पंजाब कांग्रेस का हैंडल हैक किया। खबरें लिखी ही जा रही थी कि उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक हैंडल और यूपी सूचना विभाग के फैक्ट चेक अकाउंट को हैक कर लिया गया और फिर से वही पहली वाली प्रक्रिया रिपीट हुई। 11 अप्रैल को दिन में 11:30 बजे के आसपास ट्विटर हैंडल इन्फो यूपी फैक्ट चेक और यूपी गवर्नमेंट का अकाउंट हैक हो गया। एक के बाद एक अजीबोगरीब ट्वीट करके कई सारे लोगों को टैग किया गया। फिलहाल इन दोनों ही अकाउंट्स को रिकवर भी कर लिया गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय, मौसम विज्ञान विभाग और यूजीसी का अकाउंट हैक कर लिया गया था। यानी कि पिछले 2 दिनों में 6 बड़े ट्विटर अकाउंट्स को हैक किया जा चुका है। सरकारों और सरकारी संस्थानों के आधिकारिक अकाउंट्स की हैकिंग होने की ये घटनाएँ बड़ी हैं। पर इन सभी घटनाओं में जो सबसे कॉमन बात है वो है NFT। फुल फॉर्म इसकी होती है नॉन फंजिबल टोकन। काम बताते हैं आगे। अकाउंट हैक करने के बाद NFT से जुड़ी चीज़ें शेयर की गई हैं। हालांकि इसके पीछे कौन है और हैकर ऐसा कर क्यों रहे हैं ये अभी तक मालूम नहीं चल पाया है। अभी किसी ग्रुप या हैकर का नाम भी सामने नहीं आया है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जाँच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। इससे पहले जुलाई 2020 में भी इसी तरह का मामला सामने आया था, जब कई नामचीन लोगों के ट्विटर अकाउंट्स हैक कर लिए गए थे और उनसे बिटकॉइन के बारे में ट्वीट किया गया था। अब आपको बताते हैं ये NFT यानी कि नॉन फंजिबल टोकन होता क्या है। नॉन फंजिबल टोकन एक तरह का डिजिटल एसेट होता है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसे डिजिटल रूप में बदला जा सकता है NFT हो सकती है। आसान भाषा में आप इसे डिजिटल प्रॉपर्टी समझ सकते हैं, जैसे कोई तस्वीर, वीडियो, गाना इत्यादि। इसे आप NFT में बदलकर मोनेटाइज कर सकते हैं, जिसके बाद इसे क्रिप्टो में खरीदा या फिर बेचा जा सकता है। आपके लिए ये तमाम जानकारी इकट्ठा की है हमारे साथी गौरव ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौंका हल्का काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको है बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।